ओके, सो आईआईटी जेईई 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय इक्वेशन 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2 इज. सो 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2. सो इट इज फंक्शन ऑफ x, तो इसे y में कैसे लिखेंगे? तो 2 to the power y साइड में रखा तो इधर हो जाएगा 2 minus 2 to the power x. अब हमें y चाहिए बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x, राइट? y इज फंक्शन ऑफ x. तो y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? log टू द बेस 2 लेना पड़ेगा दोनों साइड में. सो log टू द बेस 2 ऑफ 2 to the power y इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ 2 minus 2 to the power x. ऐसा क्यों किया हमने, समझ जाएंगे आप. क्योंकि 2 to the power y को y करने के लिए इस तरीके से करना होगा, राइट? अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा फिर? इट विल बी y इंटू log 2 to the base 2 इज इक्वल टू log 2 to the base 2 ऑफ 2 minus 2 to the power x. log 2 to the base 2 कितना हो गया? 1. तो आपको मिला y, यानी कि f ऑफ x ये कितना है? log 2 to the base 2 ऑफ 2 minus 2 to the power x. अब y की वैल्यू डिफाइंड रहने के लिए x के वैल्यूज जो रहेंगे दैट फॉर्म्स अवर डोमेन. ओके, तो log की वैल्यू कब डिफाइंड होती है? व्हेन उसका जो आर्ग्यूमेंट है, यानी यहाँ पर 2 minus 2 to the power x इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 इज ग्रेटर देन 2 to the power x. ठीक है, अब फिर से हम लोग दोनों साइड में log टू द बेस 2 ले लेते हैं. ओके, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान में आ गया होगा कि x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, क्योंकि 2 या एज अ बेस अगर हम लोग देखते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 है. स्टिल चलो ये कर लेते हैं, log 2 to the base 2 इज ग्रेटर देन log 2 to the power x टू द बेस 2. ये ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा क्योंकि बेस जो हमने 2 लिया इट इज ग्रेटर देन 1. सो ये कितना आया? 1. और इस साइड में क्या आने वाला है? x. तो चलो x एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ. हमें मिला log 2 to the base 2 इज ग्रेटर देन log 2 to the power x टू द बेस 2. 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर मिला x, log 2 to the base 2, ये तो 1 हो गया. सो 1 इज ग्रेटर देन x, दैट इज x इज लेस देन 1. ओके, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1, ये आपका डोमेन हो गया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ओके, अब हमने जो जिस तरीके से भी सॉल्व किया, इसके अलावा अगर आप प्रॉपरली समझते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि व्हेन वी हैव लेट्स से 2, एक 1 से बड़ी वैल्यू है, उसका पावर x है, तो इसका वैल्यू इसका ग्राफ कैसे रहता है? इसका ग्राफ इज लाइक दिस. 0 के नीचे इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है. ओके, सो यही कंसेप्ट अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें, और फिर दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू 2 होगा. एट x इज इक्वल टू 1 2 to the power x का वैल्यू 2 हो जाता है. तो अगर इनमें से दो में से कोई एक भी वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 2 to the power x कभी 0 से कम नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता. तो ये लॉजिक लगाकर भी आप कर सकते थे, बट आई होप जो हमने एक्चुअल सॉल्व किया वो आप पहले फॉलो करेंगे और धीरे धीरे इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.